हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे कि मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे के की वैल्यू फाइंड आउट करें दो मेथड हमने पढ़ लिए थे टाइट्रेशन मेथड एंड बाय प्रेशर मीजरमेंट फॉर द गैसेस गैसेस रिएक्शंस तीसरा मेथड नाव बाई मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन By measurement of optical rotation. Obviously, this will be applicable to the reaction involving at least one optically active compound. So for reaction involving optically active. Compounds. तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है जैसे हम एक जनरल बात करें तो फॉर एग्जांपल ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर केन शुगर मतलब सुक्रोज दैट इज सुक्रोज सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एक्वस और इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इट कन्वर्ट्स टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दो आइसोमर्स बनते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज स्टार मार्क इंडिकेट्स दैट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव ये सुक्रोज था तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑफ सुक्रोज तो ये डेक्ट्रो रोटेटरी हैल्सो डेक्सट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज़ इज रोटेटरी. डिपेंडिंग अपॉन दे बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट सच सोल्यूशन रोटेट लाइट टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेट अकॉर्डिंगली दे आर डेक्सट्रो एंड लेबोरोटरी तो इस तरीके से ये एक बहुत कॉमन केस है ऑफ इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर एज ऑप्टिकली एक्टिव इन्वॉल्विंग एक्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इन सुक्रोज इनफैक्ट ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पढ़ चुके हैं हम पहले ये। अच्छा यहीं पे एक जनरल बात ऑप्टिकल रोटेशन बाय ए कंपाउंड बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो ऑप्टिकल रोटेशन बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इनटू द थिकनेस ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब और लेंथ ऑफ द पोलारीमीटर ट्यूब तो इसको प्रोपोर्शनल टी कॉन्स्टेंट के लिए मान लो आर इंटू सी इंटू टी वेर आर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन जो कि कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सबस्टेंस विच डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ये तो कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यह तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की एक कैरेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक रोटेशन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर मोल पर लीटर में लेते हैं इसको एंड टी इज लेंथ ऑफ पोलरिमीटर और थिकनेस और लेंथ ऑफ ट्यूब तो इस तरीके से डिफाइन होता है इस लेंथ को हम वन भी मान लेते हैं क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट अलग अलग मोमेंट्स पर टीज इक्वल टू जीरो पर टी टाइम पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम सेम पोलिटर ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो इज कांस्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर कैंडेडिक्स में जब हम रेशियो लेते हैं तो कॉन्स्टेंट तो कैंसिल आउट हो ही जाते हैं तो टी को हम वन ले लेते हैं तो वी टेक टी वन टेकिंग दिस एनालिस टेकिंग टी इज इक्वल टू यूनिटी तो अब हम कह पाएंगे थीटा इज इक्वल टू आर इन टू सी वे आर इज द स्पेसिफिक रोटेशन एंड सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड थीटा इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन फ्रॉम दैट कंपाउंड टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट अब चलो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन मान लो कोई रिएक्शन ले ली ए कन्वर्टिंग टू बी प्लस सी जैसा ऊपर वाला केस था वाला ए बी ऑप्टिकली एक्टिव बी बी ऑप्टिकली एक्टिव मान लो सी बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड इज इज फर्स्ट ऑर्डर एंड रेट इज रेट कॉन्स्टेंट के इन ए की पार वन तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स विद रेस्पेक्ट टू ए तो t इज इक्वल टू जीरो पर मान लो कंसनट्रेशन a थी जीरो जीरो t इज इक्वल टू टी टाइम बाद कंसनट्रेशन x खर्च हो गई तो ये x बना x बना और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट मीनस इन्फिनी रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड जीरो तो क्या बनाइए a क्या बनाइए a तो इस तरह की सिचुएशन होगी मान लो हमने डेटा ऐसा रिकॉर्ड किया डेटा रिकॉर्डेड टाइम जीरो पर टी पर इंफिनिटी पर टोटल रोटेशन टोटल ऑब्जर्व रोटेशन दैट इज फाउंड टू बी थीटा नॉट थीटा टी थीटा इन्फिनिटी तो इनके टर्म्स में फाइंड करना है के नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन तो देखो ये तो बड़ा आसान है हमने ये कहा कि तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं ए बी सी ये मान करके चले हम हो सकता है बी ऑप्टिकली एक्टिव ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं फार्मूला जो आएगा दैट वुड बी सेम तो जरा तो एक बात ध्यान दो टी इज इक्वल टू जीरो पर जो थीटा नॉट है वो किसके प्रपोर्शन होगा बी और सी तो है ही नहीं इनिशियल इट इज इक्वल टू जीरो पर ई है तो सी कंसेंट्रेशन इन टू रोटेशन बिकॉज ऑफ ए तो मान लेते हैं चलो एज्यूमिंग आर ए आर बी आर सी आर द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली तो एक इक्वेशन तो ये बन गई थीटा नॉट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर थीटा टी किसके बराबर हो गया टी टाइम बाद बताओ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी हो गई ए की ए माइनस एक्स इंटू इसका स्पेसिफिक रोटेशन आर प्लस एक्स इंटू रोटेशन आर प्लस एक्स इंटू रोटेशन आर आप खुद ही देख लो देखो यहां से ए माइनस एक्स कंसेंट्रेशन है इंटू इट्स स्पेसिफिक रोटेशन थीटा आर ए प्लस एक्स इंटू आरबी प्लस एक्स इंटू आर सी यही तो लिखा है आपने देखो ये रहा और थीटा इंफिनिटी क्या हो गया अब ये तो जीरो प्लस ए कंसेंट्रेशन आर इंटू आरबी प्लस ए इंटू आर सी अब जरा देखो हमें क्या चाहिए हमें तो चाहिए तो यही ना ये के इज इक्वल टू वन टी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में एल एन कंसेंट्रेशन ए अपॉन ए माइनस एक्स कैसे भी करके ये वैल्यू आ जाए ए अपॉन ए माइनस एक्स तो देखो यहाँ से आ जाएगा कैसे आप थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट करो अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी करो सॉल्व करना जरा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट सॉल्व करोगे तो देखो ए कॉमन आ गया और ये आ गया आर ए आर बी अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी करना जब ये घटाओगे तो देखो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और ra, आप करो एक बार, मतलब कॉपी मत मारो केवल वर्कआउट करके लिखो इसको पूरी बात को आ गया ए अपॉन ए माइनस एक्स तो ए अपॉन ए माइनस एक्स कम्स टू बी थ्री इनफिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी फोट द वैल्यू बताओ क्या आगे एक्सप्रेशन ये जनरल एक्सप्रेशन है तो के इज इक्वल टू वन अपॉन टी फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्शन एल एन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन रिमेंबर इट रिमेंबर द फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर फॉर द रिएक्शंस लाइक ऑफकोर्स फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लाइक लाइक ऐसा कि मान लो ए कन्वर्टेड टू बी प्लस अगर ये फोर सी भी हो ना तो भी चलेगा अच्छा इन पे भी एप्लीकेबल होगा जैसे ए कन्वर्टेड टू मान लो कोई एक डी स्टार भी ले लो बी प्लस टू सी इस पे भी अप्लीकेबल होगा वेयर डी इज कैटलिस्ट डी इज ऑप्टिकली एक्टिव कैटलिस्ट आ रही है बात समझ में वो क्यों आप एक काम करो अगर डी भी मान लो होता और कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इनटू आर ऑफ डी वो टर्म ऐड होता समा देखना यहां भी ऐड सेम कैटलिस्ट का टर्म यहां भी, होता, यहां भी होता और जब हम घटाते तो हो हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता हाँ रिएक्टेंट का स्टाइकोमेट्रिक हो गया तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका रेट कॉन्स्टेंट रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन द स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट तो ये ध्यान दे इस बात का समझ गए बात को तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंगली चेंज तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इन सब equations, etc., इन सब सब की इक्वेश के लिए एप्लीकेबल हैली एक्टिव हो कैटलिस्ट हो तो भी यही फॉर्मूला प्रोडक्ट भी कैटलिस्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो तो भी यही फॉर्मूला सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन तो इस तरीके से ये होता है तो ये अलग अलग मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन कौन कन्वीनियंट है कौन सा मेथड एक्सपेरिमेंटली इजी है टू मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट वो मेथड हम अडॉप्ट कर लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि वो एट वॉट टाइम रिएक्शन बिकम्स या मिक्सचर बिकम्स द रेसिमिक मिक्सचर तो रेसिविंग मिक्सचर में ऑप्टिकल रोटेशन नेट ऑप्टिकल रोटेशन बिकम्स जीरो तो की वैल्यू क्या ले के उस केस में जीरो क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व जैसे एक क्वेश्चन ले लें लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट देखो ये डेटा है मेरे पास ये कोई रिएक्शन दी हुई है ए कन्वर्ट इन टू बी प्लस सी फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑल ए बी सी आर ऑप्टिकली एक्टिव यह कहा है क्वेश्चन ने साथ में क्या कहा है ऑब्जर्वड uh, रोटेशन observed rotation of the mixture of the mixture after twenty minutes after twenty minutes was uh, five degree while after completion of the reaction after completion of reaction it was -20 uh, degree if optical rotation per mole of if optical rotation per mole of a b c r Sixty degree, forty degree, and minus eighty degree, respectively, find half life and average life of this first order reaction. तो देखो ये क्वेश्चन था सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन ने कहा है कि एक रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग टू बी प्लस सी बीस मिनट के बाद रोटेशन 5 डिग्री पाया गया टोटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन रोटेशन माइनस बीस डिग्री पाया गया फर्स्ट ऑर्डर है स्पेसिफिक रोटेशन का डेटा दिया हुआ है करो सॉल्व तो देखो ए कन्वर्टिंग टू बी प्लस सी तीनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं इनके आर ए आर बी आर सी दिए हुए हैं आर ए कितना है आर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में 60 डिग्री 60। आर बी इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 40 डिग्री एंड आर सी इज गिवन एज माइनस एट्टी डिग्री मान लो टी इज इक्वल टू जीरो पर कंसेंट्रेशन ए थी जीरो जीरो टू कितने मिनट के बाद में वो डेटा दिया था आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स तो ट्वेंटी मिनट्स के बाद मान लो इसमें से एक्स खर्च हो गया तो क्या बना एक्स क्या बना एक्स और इनफाइनाइट टाइम के बाद मतलब कंप्लीशन पर रिएक्टेंट तो जीरो हो गया ये ए ए रोटेशन आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स दिया हुआ है कितना फाइव डिग्री तो एक तो इक्वेशन ये बन गई कि फाइव डिग्री इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू स्पेसिफिक रोटेशन साठ प्लस एक्स इंटू फोर्टी प्लस एक्स इंटू माइनस एट्टी और दूसरी इक्वेशन आ गई कितना रोटेशन पाया गया था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू माइनस एटी कर लो सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस अच्छा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया क्योंकि थीटा नॉट इज नॉट गिवन इनिशियल टोटल ऑब्जर्वड रोटेशन इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो फिर फिर हमें आर ए आर बी आर बी सी आर सी से ही सॉल्व करना पड़ेगा ज़रा कर लेते हैं सॉल्व लेट अस सी जरा इस लास्ट वाली इक्वेशन से देखना क्या हुआ आ, ये तो जीरो हो गया चालीस और ये माइनस फोर्टी रह गया ए इज इक्वल टू हाफ जरा ए की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रखना तो क्या हुआ तो फाइव इज इक्वल टू ए की वैल्यू हाफ या ए हाफ माइनस एक्स इंटू सिक्सटी ऐसे कर लो बल्कि सिक्सटी ए प्लस फोर्टी माइनस माइनस फोर्टी एक्स और सिक्सटी ए की वैल्यू थर्टी हो गई तो फोर्टी एक्स इज इक्वल टू थर्टी माइनस फाइव थर्ट ए सिक्सटी ए माइनस सिक्सटी माइनस एक सौ बीस एट्टी हो गया ये 80. थोड़ा सा और सॉल्व कर लो माइनस सिक्सटी प्लस फोर्टी तो माइनस ट्वेंटी और हंड्रेड है ये दोबारा करते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो यहां से क्या वैल्यू आ गई जरा देखना फाइव इज इक्वल टू सिक्सटी ए माइनस ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड एक्स तो वन हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी ए तो मतलब थर्टी माइनस फाइव तो एक्स की वैल्यू कितनी वन बाई फोर हाफ से वन बाई फोर हाफ़ लाइफ इज ट्वेंटी मिनट्स आ गया बस फिर भी चलो कैलकुलेट कर लो तो के इज इक्वल टू एल एन टू अपॉन टी हाफ विच इज इक्वल टू वन अपॉन टी ट्वेंटी मिनट्स एल एन वन बाई टू अपॉन वन बाई टू माइनस वन बाई फोर तो एक तरीके से ये एल एन टू हो गया तो टी हाफ की वैल्यू आ गई 20 मिनट दैट्स इट यही आंसर है तो क्या पूछा था क्वेश्चन ने देखें एक बार कि व्हाट इज हाफ लाइफ एंड एवरेज अच्छा एवरेज लाइफ भी पूछी है एवरेज लाइफ शायद मैंने नहीं बताया आपको हाउ टू कैलकुलेट बट अभी मैं बता देता हूं तो एवरेज लाइफ टी एवरेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एवरेज लाइफ इज इक्वल टू वन अपॉन के के बराबर और वन अपॉन के की वैल्यू यहां से पता होगी तो वन अपॉन के के मतलब एल एन टू अपॉन टी हाफ तो दिस इज ट्वेंटी अपॉन पॉइंट सिक्स नाइन नाइन और सिक्स नाइन थ्री के आसपास तो ये लगभग ट्वेंटी एट पॉइंट एट मिनट विल बी द आंसर ये आंसर आ गया तो ये फॉर्मूला है दिस इज रिमेंबर दिस इज यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला रिमेंबर तो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन के ये फॉर्मूला है चलो इसको डिराइव कर लेते हैं ये अच्छा याद आया क्वेश्चन में रह गया ये तो एज ए नोट करके लिखें व्हाट इज एवरेज लाइफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ रिएक्शन एवरेज लाइफ होती क्या है एम एवरेज एम एवरेज नहीं टी एवरेज तो टी एवरेज एवरेज लाइफ इज इक्वल टू व्हाट? टोटल लाइफ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट के लिए तो फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज लाइफ तो टोटल लाइफ ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं मान लो डीएन वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैड द लाइफ टी वन एंड डी एन टू विल हैव द लाइफ ऑफ टी टू उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो गए खर्च हो रहे हैं ना डिकेइंग रिएक्शन है

टी दिस इज द टोटल लाइफ अपॉन ए नॉट इनफैक्ट माइनस लगाना चाहिए हमें क्यों डी एन तो नेगेटिव होगा क्योंकि डिकेइंग रिएक्शन है तो माइनस लगा के रखो ताकि डीएन माइनस डीएन क्या बन गया पॉजिटिव एक नंबर फाइंड आउट करना है तो यहां भी माइनस लगा के रखें माइनस लगा के रखें समझ मार यही बात सो लाइक दैट तो यहां भी माइनस लगा के रखें अरे डीएन तो नेगेटिव होता है डी एन मतलब एन टू माइनस एन वन और चूंकि डिकेइंग रिएक्शन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं तो एन टू विल भी लेस देन एन वन तो डीएन विल भी नेगेटिव तो एक नेगेटिव पहले लगा के रखो ताकि वो नंबर आए समझ में गई बात तो वट इज माइनस डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच लिव्ड Which lived for t time and then decayed, ye matlab hua iska to number of the molecules of the reactant which lived for t time and thereafter it decayed, minus क्यों लगाया समझ में आ गया ना? क्योंकि d n negative है, तो minus लगा दो, तो एक ये किये number आ गया, आगे बात समझ में? चलो for first order. फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको तो पता है कि एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा टी एवरेज एवरेज लाइफ वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी क्योंकि टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज इनफाइनाइट यही तो हुआ और माइनस डी एन तो माइनस डी ए नॉट कर दो कंसंट्रेशन के टर्म्स में इन टू टी अपॉन ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लेने तो कंसेंट्रेशन क्या मोल से तो होते हैं तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बस बाकी तो क्या हमें पता है कि ए टी इज इक्वल टू वॉट ए नॉट ई की पार माइनस के इन टू टी तो इसका मतलब माइनस डी ए टी किसके बराबर कैलकुलेट करके आएगा माइनस साइन को इधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम के ए नॉट ई की पार माइनस के टी रखो वैल्यू जरा रखो रखो ये वैल्यू यहां रख लो इधर समझ गए तो देखो एवरेज लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वुड बी लाइक दैट जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन से एंड दिस इज के ए नॉट ई की पार माइनस के टी डी भी तो आएगा यहां यस माइनस के टी डी ये आ गया इन टू टी ऊपर टी भी तो है अपॉन ए नॉट ए नॉट इज कैंसल्ड आउट तो इसका मतलब एवरेज लाइफ टाइम इनिशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड भी नहीं करेगा तो ये एक्स टर्म ऐसा आ गया तो के और ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी टी ई की पार माइनस के टी डी टी और ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं इनके आपको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी वन अपॉन के स्क्वायर एक्सप्रेशन आ गया वन अपॉन के यही तो कहा था आपको तो फार्मूला क्या बन गया एवरेज लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू वन अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर याद रख लें इतना डिराइव ना कर पाओगे एग्जाम में टाइम ही नहीं होता टाइम बचाना होता है तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू वन अपॉन के तो याद रखें आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीट हो गया मॉनिटरिंग द प्रोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तीनों मेथड कंप्लीट कर दिए बाय मीजरमेंट ऑफ द प्रेशर फॉर रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर दूसरा वाला फॉर टाइट्रेशन फॉर द रिएशनिंग सॉल्यूशन फेज वहां प्रेशर नहीं मीजर कर सकते और तीसरा वाला स्पेशल रिएक्शन लाइक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस अगर इन्वॉल्व हो तो बाई ऑप्टिकल रोटेशन मीजरमेंट मैथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द रेड कॉन्स्टेंट दैट इट फॉर नाउ